मैं जा रहा था हेलमेट शॉप पे, तो यहाँ पे पूरा रास्ता नीचे ही गिर गया। सो आज है 8th of August और अभी हमारी सुबह चालू हुई है और हम रात को चेक इन किया 12-1 बजे। सो पता नहीं था कि एरिया कैसा है, लेट मी शो यू गाइस। यहाँ पे हमारा रूम है और रूम के सामने जस्ट पहाड़ है और पहाड़ पे बहुत डिफरेंट है देखो आप। और एक चीज़ देखो, ये देखो एप्पल का पेड़ है। अब ये कश्मीरी एप्पल है या कौन सा है, बट मस्त है ये अपना सरवाना भाई। व्हाट अबाउट यू? अच्छे सोए? चलो मैं आता हूँ थोड़ा सा काम करके अपना। तो मेरे को जाना है थोड़ा मार्केट में, अपना माउंट टूट चुका है हेलमेट का और हेलमेट भी थोड़ा डैमेज हो चुका है। फिर पार्क की अपनी बाइक सब लोगों की। जस्ट आया था हेलमेट का, ये माउंट टूटा है तो एमसीएल ढूंढने, और ऐसा करते करते मैं ऊपर आ गया। और ऊपर आने के बाद मेरे को कुछ ऐसा व्यू मिला है, यहाँ पर ने कुछ पिक्चर क्लिक किए जो कि आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हो। और थोड़ा सांस फूल रहा है क्योंकि ऑक्सीजन थोड़ा कम होता है। और पीछे भी देखो पहाड़ पर घर है, यहाँ पर पीछे भी है ऊपर ऊपर के साइड में, मस्त लग रहा है मस्त। जा रहा था हेलमेट शॉप पे, तो यहाँ पे पूरा रास्ता नीचे ही गिर गया और पुलिस पुलिस यहाँ पे खड़ी है। तो आई होप कि किसी को कुछ लगाना हो। शुरू गिर चुका था तो हम दूसरे नट ट्राई कर रहे हैं, बहुत सारे नट ट्राई करके देखे बट कोई बैठ नहीं रहा था। तो अभी एक नट है ये भी नहीं बैठ रहा यार। अभी कर रहे हैं ब्रेकफास्ट में स्टार्टिंग में कुछ ऐसा लिया है, बाकी मेनू तो बहुत सारा है, सब अलग अलग खा रहे हैं। Not drinking espresso. So finally we are leaving from our hotel. और अभी जस्ट निकलने से पहले मैं चेकआउट कर रहा हूँ होटल का। पीछे का नज़ारा भाई देखो, क्या नज़ारा है क्या। ये आपको जितने पेड़ दिख रहे ना सब एप्पल के पेड़ है, लेट मी शो यू। ये देखो भाई साहब एप्पल के पेड़, सब जगह एप्पल के पेड़। और यहाँ पे एप्पल निकालने के लिए एक टोकरी टाइप है और इसके पीछे नदी है, रिवर बह रही है जिसका आवाज़ आपको शायद से आ रहा होगा। और वहाँ पे कुछ कैफेटेरिया टाइप बना है और बहुत बड़ा है, और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए अपने पास अभी टाइम नहीं है। और यहाँ पे था अपना रेस्टोरेंट ऊपर, और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्लांट लगाए हैं। राइट नाउ वी आर लिविंग फॉर जिस्पा और सब तैयार हो रहे अब, और धूप बहुत ज़्यादा है सो रेन लाइनर अभी नहीं पहना। अगर बारिश होती है तो रुक के रेन लाइनर पहन लेंगे। और आपने शॉर्ट्स देख ही लोगे जहाँ पे हम स्टे कर रहे थे, आपको मैंने बताया जो जो अच्छा अच्छा है यहाँ का। कल यस्टरडे इट वाज अ वेरी वेरी लॉन्ग राइड, व्हाट 14 एंड हाफ ऑलमोस्ट 15 आवर्स ऑफ राइडिंग, बट टुडे इज जस्ट 2 आवर्स। सो वी विल जस्ट रिलैक्स, क्लिक नाइस पिक्चर्स, गुड राइडिंग ब्रो यस्टरडे। और इसका चैनल है प्रदीप ऑन व्हील्स। सो मैं इसका चैनल फर्स्ट सब्सक्राइब करो, बंदा ऑलरेडी वीडियो पोस्ट कर रहा है, हमारा भी कंटेंट भी नहीं है। सो इसका आपको चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बहुत बड़ा यूट्यूबर है यार। किधर से मिलेगा लिंक? डिस्क्रिप्शन में डालोगे ना। फर्स्ट इसका चैनल को सब्सक्राइब करो एंड एंजॉय द राइड, बाय बाय। और अब अपन रुके थे फोटो खींचने के लिए, और लोकेशन देखो क्या सही है, ये ब्रिज देखो क्या सही है, और सामने का नजारा देखो वाइड एंगल में भाई। फुल पैसा वसूल है, फुल पैसा वसूल। नीचे से रिवर क्रॉसिंग का साउंड इतना होगा कि मेरा साउंड कम आने वाला है। डीओपी इसका डेडिकेशन देखो, बेचारा लो रोड पे लेट के फोटो नहीं खींच रहा है। सो नाउ वी आर एट अटल टनल, ये बस सामने टनल है, यहाँ पे कुछ फोटोग्राफी चल रही थी हमारी। और पीछे का सीनरी कुछ ऐसा है, बर्फ वाले पहाड़।
यहाँ पे पेड़ वाले पहाड़, वहाँ पे भी थोड़ा सा बर्फ है। एंड दिस इज आवर डीओपी। ये हमारे काका है, बहुत दूर से आए, बड़ी दूर से आए, बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए। राइट नाउ अभी अटल टनल से हम बाहर निकल चुके हैं, अटल टनल रोहतांग पास। सो दिस इज हाउ इट लुक्स, और फुल बाइक्स का लाइनअप यहाँ पे लगा दिया है। और सर जी कैसे रहा सफर, आप बताओ आपको कैसा लगा? बस बढ़िया, मजा आ गया, मजा आ गया बहुत। और अगर आप आ रहे हो यहाँ पे आपको कुछ खाने को मिल सकता है, आई थिंक इज कोकोनट। और पीछे का और पीछे ऐसा लेक बह रहा है जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत खूबसूरत। और अब लगने वाली अपने को पहाड़ी, और बहुत मज़ा आ रहा है इस राइड में। और मुझे बिल्कुल रिग्रेट नहीं हो रहा है कि मैं इस राइड में आया। कुछ इंसिडेंट हुआ ऐसा कि उससे लग रहा था कि घर पे रहता, बट अभी ऐसा लग रहा है कि यार यहाँ पे आके ना फुल पैसा वसूल कर लिया अपन ने अपने ट्रिप का। और अभी तक जितना मज़ा किया ना, आई होप कि उतना मज़ा आगे भी आए। टनल के सामने गैलरी है, यहाँ पे आप आके पिक खींच सकते हो। और भाई नज़ारा नज़ारा ही नज़ारा हर तरफ। और चलो अपने को यहाँ पे से निकलना है अब, इट्स टाइम टू लीव नाउ। राइट नाउ वी आर लीविंग फ्रॉम द अटल टनल, और एक बायो ब्रेक के लिए रुकेंगे वहाँ पे आके। फिर 50-55 किलोमीटर के डिस्टेंस पे फ्यूल पंप है, वहाँ पे फ्यूल भरेंगे गाड़ियों में। और अपनी गाड़ी बहुत मस्त लग रही है। तो ये रोहतांग के आगे का लास्ट वाला पेट्रोल पंप है, इसके आगे पेट्रोल पंप नहीं है, सीधा लेह के पास है। चलो फ्यूल भरा रहे। और यहाँ पे दिख गए अपने को होंडा अफ्रीका। सो बाइक इज फ्रॉम मुंबई। सो नाउ हम रुके तांडी ब्रिज पे, और हम कर रहे थोड़ा सा ब्रेकफास्ट, या उसको लंच बोल सकते हो हमारा।
सब कर रहे हैं लंच, बाहर भी सब बैठे कोई मैगी खा रहा है, पहाड़ों वाली मैगी। सबका दिन था कि ऐसे पहाड़ों में आके पहाड़ों वाली मैगी खाना। वो चाउमीन मैंने टेस्ट किया, इट्स वेरी गुड। तो अगर आपको चाउमीन अगर खाना होगा सो ये तांडी ब्रिज सामने, जस्ट उसके सामने ये शॉप है तो, और ये सब लोग राजमा चावल खा रहे हैं। रही फाइनली हम खा रहे पहाड़ों वाली मैगी। सो वी हैव फाइनली रेस्ट आवर डेस्टिनेशन, यहाँ पे हम रुकने वाले हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे टेंट है और अब ये जो आपको तम्बू दिख रहा है इसके अंदर थोड़ी देर बाद हमारा मेडिकल चेकअप होगा। और ऊपर का सीन कुछ ऐसा है, यहाँ पे रात में स्टे होने वाला है। बाइक्स के लिए पार्किंग भी अच्छी है अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, सो यू कैन स्टे हियर। सो अगर आपको सोना देखना है तो ये देखो सोना है सामने, गोल्ड, और ऊपर देखो सिल्वर, बर्फ। व्हाट्स आवर होटल, सांस थोड़ा फूल रहा है, ऑक्सीजन थोड़ा कम है, और लोकेशन बहुत सही है, सामने बर्फ का पहाड़ है, यहाँ पे ऐसे ही पहाड़ है बस टाइम पास वाले। और अपने को कूद के जाना पड़ेगा यहाँ से। टुडे इट वाज अ वेरी गुड डे, ऐसा मज़ा आया ना भाई गाड़ी चला के, क्या बताओ, जो सीन दिखा है जो रिकॉर्ड किया है ज़बरदस्त। सो अपन ताज में से ये उठा के लेके आए थे और अब ऑल्टीट्यूड यहाँ पे बहुत हाई, लगभग 15,000 के लगभग। और ये लेस फूल गया और भी है बैग में बट वो फट गया। हाँ एक ही लेस था और एक ये था, ये तो फट गया अपना क्योंकि इसका दब गया होगा बैग में। तो राइट नाउ इट्स 7:30 और आप देख सकते हो ये बर्फ़ का पहाड़ दिख रहा है और दूसरा बर्फ़ का पहाड़ वो साइड में है बट वो ज़्यादा दिखेगा नहीं, ये एकदम इजीली विजिबल है। और ये टेंट है सब लोगों के, वाइड एंगल में लिया है इसके लिए थोड़ा क्लैरिटी ख़राब हुआ है। अभी चल रहा है मेडिकल चेकअप। काका कैसा लग रहा है? मज़ा लग रहा है। काका को मज़ा आता है कभी भी। सो कुणाल हाउ आर यू फीलिंग? गुड। सर्कुलेशन एयर में सर, बैठ जाएंगे थोड़ी देर ठीक अच्छा लगा, मोटरसाइकिल चला गया आज बहुत बढ़िया।